अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है काशिफ शायरी और आज हम मौजूद हैं निशा राव के घर पर और यहाँ पर इफ्तार का अहतमाम करवाया गया था और कराची से तकरीबन 50 ट्रांसजेंडर्स को यहाँ इनविटेशन दी गई थी आज की इस इफ्तार में। हमारे साथ आज के ऑर्गेनाइज़र निशा राव मौजूद हैं, तो चलिए निशा राव से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपने ट्रांस को आज कवरेज किया। हमारा आज अफ्तार डिनर था, हमने सोशल डिस्टेंस के साथ 50 ट्रांसजेंडर्स को बुलाया था, तो माशाल्लाह से हमारा जो सारा मैनेज था वो अच्छे से हो गया और ट्रांस की आज हमने अफ्तारी कराई। मुझे दिली खुशी है, जिन लोगों ने मुझे स्पॉन्सर किया था उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने आज अच्छे तरीके से अफ्तारी का अहतमाम किया। निशा, आज जो ट्रांसजेंडर्स आए थे यहाँ पर, बेसिकली वो किस कहाँ से ज़्यादा बिलोंग करते थे? एलीट क्लास के थे, मिडिल क्लास के थे, कहाँ, किस जगह, किस एरिया के रहने वाले थे? ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी मिडिल क्लास तबके से होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हमारी कम्युनिटी के हैं वो बैगिंग करते हैं। सही है। और वो बैगिंग करते हैं और अपना रोज़गार कर रहे हैं। आजकल जैसा कि देखा जाए, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है 2 मंथ से, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चल रही है, उनको खाने पीने की और अमाउंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। तो हमने इसीलिए उनके लिए इस तरह का रमज़ान में पैकेज रखा कि हम उनको राशन भी डिस्ट्रीब्यूट करें और उनका हम अफ्तार का हम अहतमाम करें। आपने अच्छा जिक्र किया राशन का। लॉकडाउन के दिनों में जो है निशा राव राशन भी तकसीम करती आई हैं ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी में, तकरीबन 500 के करीब जो राशन के बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हैं, ऐसा ही है निशा? जी, हमने कराची में आई थिंक के 500 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ओवरऑल हमने पूरे सिंध के अंदर 1000 से ज़्यादा राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें राशन दिया ताकि हम भी ट्रांस कम्युनिटी की हेल्प कर सके, तो उनके बिहाफ पर मैंने कराची के अंदर 500 के करीब कराची में बैग डिस्ट्रीब्यूट किए और इंटीरियर सिंध में 500 बैग हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए। निशा, मेरा एक मुख्तसर सा और कहने तो मासूमाना सा सवाल है, वो ये कि इन हालात में जबकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है और लोगों को ज़्यादा दूर दूर रहने का कहा है, तो इस सूरत हाल में भी इफ्तार दावत इफ्तार रखवाने की क्या ख़ास वजह थी? देखें कि हमने ये जो आज इहतमाम किया, हम लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रांस कम्युनिटी को कोई इस तरह इतने इन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। हमने ये जो अफ्तार रखा, इसका मेन मकसद ये था कि हम अपनी कम्युनिटी को बुलाएं, उनको कोरोना वायरस से रिलेटेड अवेयरनेस दें कि आप लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस में रहें। हमने इसलिए अहतमाम किया, क्यों, पहले हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हम 3-4 मेंबर या 5 मेंबर पर मुश्तमिल एक टीम बुलाते थे और उसको राशन दे देते थे। ज़्यादा लोगों को बुलाने का ये था कि हमने सोशल डिस्टेंस के साथ उनको इफ्तार के इस डिनर पर इनवाइट किया और उनको हमने ये जो है कोरोना वायरस इसके रिलेटेड सारी एहतियाती तदाबीर बताई और उनको लॉकडाउन से मुतल्लिक सारी जो आगाही दी और उनको बस ये कहा कि आप सोशल डिस्टेंस रखें और इन चीज़ों का ख्याल रखें, अल्लाह पाक जल्द अज़ जल्द कराची के हालात बेहतर करेंगे। जी, हमारे साथ एक और ट्रांसजेंडर मौजूद है, जिया खान इनका नाम है और मॉडलिंग करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक है। आज इफ्तार का अहतमाम करवाया गया, इफ्तार पार्टी निशा की तरफ से यहाँ छत पर, तो कैसा लगा आपको आज यहाँ पर शिरकत करके? मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। एक्चुअली हमारी गैदरिंग जो है वो कभी कभी होती है, कोई कोई जगह होती है कि हमारी गैदरिंग हम लोग मिल के बहुत मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। निशा की मेहरबानी है, निशा की तरफ से हम सब यहाँ पे एक हुए हैं, एक होकर हमने इफ्तार किया और हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। थैंक यू निशा, थैंक यू वेरी मच हम सबको एक तरफ लाने। वैसे तो हुकूमत ने तो हमें मना किया था कि आप जो है मजमा बनाकर नहीं बैठ सकते, तो आज जो निशा की तरफ से जो अहतमाम था, इसमें हमने देखा कि खासतौर पे मार्क्स का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया था, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? माँ देखिए, सोशल डिस्टेंस जो है वो आपके लिए हमारे लिए ही रखा गया है, हम सब पाकिस्तानियों के लिए रखा गया है कि सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो आप बीमारी से दूर रहेंगे। तो ये उन्होंने मास्क इसीलिए दिए हैं कि आप सोशल डिस्टेंस रखें और अपने सेहत का ख्याल रखें, दूसरों का भी सेहत का ख्याल रखें और पाकिस्तान बचाएँ, जल्दी से लॉकडाउन खुले और हम अपने रूटीन पर आएँ, रेगुलर रूटीन पर। माह रमज़ान चल रहा है इस वक्त, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? माह रमज़ान में अपने घरों में रहें, सेफ़ रहें और ज़्यादा बाहर ना निकलें और अपने घरों पे ही रोज़े रखे हैं, अपने घरों पे इंजॉय। कोई बात नहीं, अगर आप ईद पे कुछ नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते, तो जो गरीब लोग मुस्तहक लोग हैं उनके लिए कपड़े बनाएं, उनको आप राशन दें, उनके लिए ज़्यादा वो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, ना कि हम कपड़े पहन के बाहर घूमें वो करें। जो गरीब है उनका ज़्यादा पहले ख्याल रखें आप।
जी व्यूअर्स, आज हम मौजूद थे निशा राव के घर पर और यहाँ पर जो इफ्तार का अहतमाम करवाया गया था और तकरीबन 50 के करीब ट्रांसजेंडर्स ने आज इफ्तार में शिरकत की। हमने उनके इंटरव्यूज़ लिए और आपने उन इंटरव्यूज़ को मुलाहिजा फरमाया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं कि आया आगे आने वाले दिनों में हम मज़ीद किस तरह के टॉपिक्स कवर करें और हमारे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो क्या ही बात होगी। मेरा नाम है काशिफ शायरी, मेरे साथ मौजूद थे मेरे कैमरामैन उमर। हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।